आधुनिक युग के व्यास कहे जाने वाले श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हजारों पुस्तकें लिखी हैं और उनकी अनेक विषयों पर उपयोगी पुस्तकों में से एक है मानसिक प्रखरता पर आधारित वाड्मय भाग 57। इस पुस्तक में आचार्य जी ने ऐसी घटनाओं को संग्रहित किया है जो सिद्ध करती हैं कि शारीरिक सामर्थ्य से कहीं अधिक प्रखर है हमारी मानसिक क्षमता। इसमें एक लेख टाइगर योगी के संदर्भ में है जिनके भीतर निहत्थे ही शेर भागों से लड़ने और उन्हें मार भगाने की अद्भुत प्रतिभा थी। स्वयं टाइगर योगी के शब्दों में उनकी कहानी। कह नहीं सकता किस जीवन के कौन से संस्कार थे कि शरीर तो दुबला पतला ही था, किंतु बाल्यावस्था से ही मन करता कि कोई शेर या चीता मिले तो उससे कुश्ती लड़ूं। यह कमजोर शरीर ही था जो निराश करता, वरना राजकुमार भरत की तरह बचपन में ही कई बार बाघों के दांत तोड़ चुका होता। जो इच्छा शक्ति कुछ दिनों पहले जंगली जानवरों से लड़ने की ओर मुड़ी थी, अब वह अंतर्मुखी हो उठी। मैं दिन रात यही सोचा करता कि मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊं, मेरा शरीर बलवान हो जाए। तब मुझे पता नहीं था कि इच्छा शक्ति में भी कुछ जादू होता है, पर मैंने उसे अपने आप में सचमुच जादू पाया। मेरा स्वास्थ्य दिनों दिन अच्छा होता गया और मैं एक खट्टा कट्टा युवक बन गया। अब मनमानी करने का समय आ गया तो मेरी प्रसन्नता का वारापार नहीं रहा। मैं विचार करता कि जंगल के यह बड़े जंतु छोटे जीव जंतुओं को पकड़कर खा जाते हैं तो गुस्से से मेरी आंखें लाल हो जाती। बड़े जीवों द्वारा छोटों को सताया जाना मुझे कतई पसंद नहीं था, इसलिए मैंने निश्चय किया कि जंगल के इन हिंसक जंतुओं को सबक सिखाना चाहिए। इसी निश्चय के साथ मैं जंगल जाने लगा। अब तक मेरी इच्छा शक्ति पूरी तरह से प्रखर हो चुकी थी। भय नाम की भी कोई वस्तु होती है यह मैंने पूरी तरह भुला दिया। एक बार जब मैं जंगल में प्रविष्ट हो जाता तो वहाँ के हिंसक बाघ शेर चीते भी मुझे चूहों और भेड़ बकरियों की तरह लगते। मैं प्रतिदिन जंगल जाता, हिंसक जीव मुझे साक्षात्काल के समान देखते और दूर से ही भाग जाते। वह बड़ा दुर्भाग्यशाली होता जो एक बार भी मेरी दृष्टि में पड़ जाता। आँख से आँख मिलाते ही मेरी प्रखर इच्छा शक्ति उसके मन पर बुरी तरह आघात करती और वह जंतु भले ही शेर ही क्यों न रहा हो बिल्ली बन जाता। पूंछ दबाकर दया की भीख मांगता, पर मुझ निष्ठुर सुहंग स्वामी से बचकर जाना उसके लिए कठिन होता। जी भर पीटता पटकता और जिस पर दया न आती उसे मारकर ही छोड़ता। स्मरण नहीं कितने बाघ चीते लकड़ बग्घे मारे होंगे। मेरी इन वारदातों का ही परिणाम था कि लोग मेरा सुहंग स्वामी नाम तो भूल गए और मैं एक नए टाइगर योगी के नाम से सारे बंगाल प्रांत में विख्यात हो गया। मेरे पास इससे संबंधित जानकारी के लिए प्रतिदिन देश विदेश से सैकड़ों पत्र आते, पर मुझे इस व्यवसाय से ये फुर्सत कहाँ मिलती जो उनके उत्तर देता। उन दिनों मेरी ख्याति कम से कम बंगाल में तो घर घर थी ही, वहाँ के राजाध्यक्ष ने भी यह खबर सुनी। उन्होंने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए मुझे कूच विहार आने और उक्त प्रदर्शन करने का निमंत्रण दिया। वहाँ की प्रजा भी मेरी बाघ से कुश्ती देखने को बहुत लालायित थी। कई चुनौती भरे पत्र मेरे पास आते थे, इसलिए न चाहते हुए भी मुझे यह निमंत्रण स्वीकार करना ही पड़ा। यह दृश्य देखने के लिए अखबारों में पहले से ही समाचार छापे गए। भीड़ बरसात के पानी की तरह उमड़ पड़ी। जिस मैदान में यह प्रदर्शन होना था उसे कटीले तारों से सुरक्षित कर वो पिंजरा जिसमें बाघिन बंद थी मैदान में रख दिया गया। हजारों लोगों के सामने मैं निहत्था ही पिंजरे की ओर बढ़ा। बाघिन मुझे देखकर गुर्राई, किंतु मुझे उससे कुछ भी भय न लगा। पिंजरा खोलकर उसमें प्रविष्ट हो गया। चाबी मैंने वहीं फेंक दी, केवल एक चेन हाथ में थी जिससे बाघिन को बांधने के लिए कहा गया था। मेरे पिंजरे में प्रवेश करते ही बाघिन टूट कर मेरे ऊपर आ झपटी और मेरी पीठ पर घाव करती हुई मुट्ठी भर मांस नोच ले गई। मैं हक्का बक्का रह गया। एक बार दर्द से सारा शरीर कांप उठा। खून दाढ़ में लग जाने से बाघिन और भी उत्तेजित हो उठी। उसने देर किए बिना दूसरा झपट्टा लगाया, पर अब मैं संभल चुका था। मैंने अपना वही इच्छा शक्ति वाला दांव लगाया, बाघिन की आंखों में आंखें डालकर उसके मन पर दुर्दांत प्रहार किया और ऐसा करना भर था कि बाघिन कटे वृक्ष की तरह अपने आप धाराशायी हो गई। अब मैं पूरे गुस्से के साथ उस पर टूट पड़ा और मार मार कर बेदम कर दिया। मेरी इच्छा शक्ति बराबर काम कर रही थी और उसी का परिणाम था कि इतनी खूंखार बाघिन मरी बिल्ली जैसी सिमटी पड़ी थी।
अब उसमें आक्रमण करने की शक्ति नहीं थी, फिर भी वह घुर्रा कर अपना क्रोध अवश्य प्रकट कर रही थी। ऐसे में ही आगे बढ़कर मैंने उसको चेन बांध दी और विजयी योद्धा की तरह चारों ओर खड़ी भीड़ की ओर देखा। सब लोग आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से उछल पड़े। मेरा हार्दिक स्वागत किया गया। उपस्थित लोगों ने मुझे फूल और हारों से लाद दिया। एक बार उनकी ख्याति सुनकर श्री स्वामी योगानंद जी उनसे मिलने गए। उन्होंने पूछा, आप खूंखार जानवरों से कैसे लड़ते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, शारीरिक शक्ति से मानसिक शक्ति कहीं अधिक प्रखर होती है। यदि हम दृढ़ विश्वास कर लें कि बाघ नहीं बिल्ली है, तो वह बिल्ली ही हो जाएगा। यह कहते हुए वे उठे और सामने की दीवार से खींच कर एक ईंट बाहर निकालते हुए बोले, ज़रूरत पड़े तो मैं आज भी चीतों के दांत ऐसे ही निकाल सकता हूँ। उन्होंने बताया, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है। यह मस्तिष्क ही है जो मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क जितना बलवान होगा, शरीर भी उतना ही सामर्थ्यवान होगा। श्री योगानंद जी ने प्रश्न किया, क्या मैं भी बाघों से लड़ सकता हूँ? इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा, बाघ से तो कोई भी लड़ सकता है, पर वास्तविक लड़ाई तो भीतर है। जीतना है तो स्वयं की कमजोरियों को जीतो। न चाहते हुए भी हम अनेक बार चिंताओं से घिर जाते हैं और दुखी होते हैं। जब तक जीवन है, सुख दुख हार जीत दोनों से सामना होगा। विपरीत परिस्थितियों में स्वयं पर नियंत्रण रखना, हौसला रखना और आगे बढ़ना ही वास्तविक जीत है।